आप अगर देहरादून जा रहे हैं, सहारनपुर जा रहे हैं, मेरठ आ रहे हैं, देहरादून से दिल्ली आ रहे हैं, शामली जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली के आसपास इलाकों में जहाँ भी आपको कांवड़िए नज़र आएँ, तो कृपया गाड़ी बिल्कुल धीमी कर लें और हाथ जोड़ते हुए चलें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ज़रा सी भी टच हो गई तो आपकी गाड़ी नहीं रहेंगी और आप भी हो सकता है ना रहें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, सावन सावन के पहले सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, 22 तारीख से शुरू हो गई है। अब हर रोज कुछ ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कांवड़िए धर्म की आड़ में कैसे उपद्रव कर रहे हैं, आम लोगों को, गरीब लोगों को पीट रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर असहाय नजर आती है, क्योंकि पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था गई भाड़ में, कांवड़ियों को फ्री हैंड दे दीजिए। अब हम आपको द रेड माइक पर पांच ऐसे वाक्य बताएंगे जो ये साबित कर देंगे कि किस तरीके से पुलिस ने इन कांवड़ियों को फ्री हैंड दिया हुआ है, और इस फ्री हैंड का फायदा लेकर के कांवड़िए अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको कानून का डर नहीं है, कभी किसी विक्षिप्त व्यक्ति को पीट देते हैं, कभी पेट्रोल पंप वाले को पीट देते हैं, कभी ई रिक्शा तोड़ देते हैं, कभी गाड़ियां तोड़ देते हैं। पहला किस्सा है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में बुधवार को कांवड़ यात्री जा रहे हैं, वो हरिद्वार जाते हैं गंगा जल लेने के लिए। वहीं पर खड़ा हुआ एक दिव्यांग व्यक्ति जो दिमाग से तेज नहीं है, उसने ऐसे ही हवा में अपनी छड़ी लहरा दी। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उसने ये छड़ी क्या लहराई कि जैसे मानो उसने दो चार कांवड़ियों पर गोली चला दी हो। कांवड़िए उस पर टूट पड़े, उसको इतना पीटा, इतना पीटा लात से, घूंसों से, डंडों से, कि वो विक्षिप्त व्यक्ति इस वक्त आईसीयू में है और गंभीर चोटों के साथ अगले 1 से 1.5 महीने उसे अस्पताल में ही रहना होगा, बस मरते मरते बच गया है। उस विक्षिप्त व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, उसने बस हवा में छड़ी हिला दी, ना गाली दी ना गलौच किया, पर कांवड़ियों को तो फ्री हैंड है पुलिस का। पुलिस ने ही बचाया, लेकिन किसी पर जो मुकदमा भी दर्ज हुआ है, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन कौन आरोपी है, किसकी पहचान की गई, कुछ नहीं, किसी का डिटेंशन नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, पर मुकदमा दर्ज हो गया है, वो जिंदगी मौत से लड़ रहा है, बाकी जो कांवड़ी जिन्होंने पीटा वो अपने रास्ते चले गए हैं। अभी सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे हैं, ये मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है। अब दूसरा मामला, दूसरा मामला तो इतना तकलीफ देने वाला है कि आपके भी इसको देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देहरादून के रहने वाले आकिब अपने जीजा को मेरठ छोड़ने आ रहे थे गाड़ी से। उनकी गाड़ी हल्का सा टच हो गई तो कांवड़ियों ने कहा उनकी कांवड़ खंडित हो गई, जल छलक गया। उसके बाद कांवड़ियों ने आकिब को इतनी बुरी तरह पीटा, इतनी बुरे तरह पीटा कि आकिब सीधे अपनी गाड़ी से आईसीयू पहुंच गए, और उनकी गाड़ी का तो कोई पुर्जा ही नहीं बचा है। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आकिब को पीट रहे हैं। पुलिस वाले बचाने की कोशिश करें लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। आकिब को बेरहमी से, लाठी से, डंडे से, हाथों से, पत्थर से मारा जाता है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, और पुलिस वाले बस हाथों से बचाते हुए नजर आते हैं। आकिब अस्पताल में भर्ती रहे, आकिब खुद अपनी आपबीती सुना रहे हैं, जरा आकिब को सुनिए। गाड़ी को तोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपकी है? हाँ, मेरी है। सर, क्या कुछ हुआ था उस समय एक्चुअल में? हम लोग जा रहे थे देहरादून से मेरठ। अच्छा मेरे ब्रदर इन लॉ आ रखे थे, मेरे साले साहब,
तो मैं उनको लेके मेरठ छोड़ने के लिए जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब निकले देहरादून से। तो रास्ते में मोहंड में भी जाम काफी था, रास्ते में भी कावड़ी वगैरह का ट्रैफिक बहुत था। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा था। तो हमें लगभग 8 बज गए मुजफ्फरनगर छपार के आसपास पहुंचने में। तो मेरे पीछे एक बाइक वाला था, वो मेरे को ऐसे कट मार के गया गाड़ी से। तो थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैंने हॉर्न मारा तो एक कावड़िया पीछे से जो है मेरी गाड़ी पे ऐसे मुक्का मारता है। तो अच्छा मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से मारा होगा मुक्का। मैंने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है, कहीं पता चले मैं यहाँ रुकूं और यहाँ हमसे मारपीट वगैरह करें, तो इसलिए मैंने गाड़ी आगे ले ली, मैं सीधा चलता चला गया। मैंने ये इल्जाम लगाया कि मैं उनके जल को खंडित करके गया हूं, अच्छा जबकि मेरी गाड़ी किसी से नहीं लगी, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को हॉर्न मारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को ना कोई कुछ पूछा ना कुछ गिना, और गाड़ी मेरी वहां जाम में, जब इन्होंने चक्का जाम कर दिया वहां रुकवा के, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। आपने आकिब को सुना तो समझिए, जो हमने शुरू में कहा था कि गाड़ी जो है आप बिल्कुल धीमी रखें, और लग जाए तो आप हाथ जोड़ लीजिए, और हाथ जोड़ने के बाद भी आप बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी गाड़ी तो टूटनी तय है, बिल्कुल तय है। अब तीसरी घटना, मुजफ्फरनगर की तीसरी घटना है। यहाँ से कांवड़िए जा रहे थे, अब वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में एक कांवड़िए ने आम खाया और गुठली फेंक दी। अब गुठली फेंक दी तो वहां के पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने कहा कि भैया गुठली क्यों फेंक रहे हो, कूड़ेदान में डालो, सड़क पर डालो, पेट्रोल पंप में गुठली क्यों फेंक रहे हो। बस फिर क्या था, फिर उस पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी को लात, घूंसे, डंडे, लाठी, फिर वही हश्र। आकिब की तरह वो पेट्रोल पंप कर्मी, वो तो हिंदू ही था, वो भी आईसीयू में एडमिट हो गया है। सर फट गया, हाथ टूट गया। जरा उसके पिता को सुनिए जिसका बेटा मार खाया, और उसके बाद पुलिस को भी सुनिए कि पुलिस क्या कह रही है। उसके बाद आपको आगे की एक और कहानी बताएंगे। नाम विजयपाल। विजयपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? अजमतगढ़। आपके लड़के के साथ में क्या क्या घटना घटी? अजय, उसमें वो लड़के ना जाकर उन्होंने कहा था भाई पेट्रोल पंप है, इस पर आग लग जाके तुम यहाँ बीड़ी ना पियो। कहना तू कौन रोकने वाला, बस जबरदस्ती हो लट बजा दिया सबने। आपका लड़का कितनी कैसी कंडीशन में है? कंडीशन उसमें है जी, तो ऐसी आईसीयू में। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर पता नहीं क्या कहेंगे, अभी क्या बताओ, अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप इसमें क्या चाहते हो? हम क्या चाहें, हम इनके भोड़ों का क्या चाह सके, हम क्या कर सके, हमको क्या करने वाले हैं। आपने किसी पुलिस प्रशासन में किसी को? पुलिस प्रशासन जो जिसका पंप वो करेगा अपना, जब वो उनका नौकर है। आज 24 जुलाई 2024 को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास थाना मंसूरपुर क्षेत्र अंतर्गत बेगराजपुर में एक पेट्रोल पंप था। वहाँ पे कुछ कांवड़ यात्री रुके हुए थे। वहाँ पे कांवड़ियों द्वारा एक आम खा करके गुठली फेंका जा रहा था, जिसपे वहाँ के एक कर्मचारी ने मना किया। उस मना करने में उनके बीच बहस शुरू हो गई और वो फिर मारपीट में तब्दील हो गई। और जब वो वहाँ से केबिन की तरफ भागा तो वो उसके पीछे दौड़ लिए, जिसमें केबिन के कुछ के एक शीशा भी टूट गया और उसके साथ जो हल्की फुल्की मारपीट हुई है, और उसको तत्काल हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब गाड़ी वाले तो गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, ई रिक्शा वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर सोचे कि ई रिक्शा वाले, मोटरसाइकिल वाले बच के निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। ज़रा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है रुड़की का, जहाँ पर ई रिक्शा वाले की ज़बरदस्त धुनाई कर रहे हैं। ये कावड़ लेकर के जा रहे भोले, नाम तो भोले है पर जिस तरीके से ये बोल बम का जय घोष कर करके, मोटे डंडे लेकर के और ई रिक्शा पर दनादन प्रहार कर रहे हैं, वो आप ये तो समझ लीजिए कि ये भोले तो नहीं हो सकते। ये भोले नहीं हो सकते, भोले तो सबको माफ करने वाले हैं। अगर टक्कर हल्की सी लग गई तो क्या हो गया, उसके बाद ई रिक्शा तोड़ दिया गया और संजय कुमार ई रिक्शा चालक
संजय कुमार जी की हड्डी पस्ती तोड़ी गई। पुलिस का कहना है कि कांवड़िया कांवड़ जो ई रिक्शा के लड़ने से खंडित नहीं हुई थी, इसके बाद भी कांवड़ियों ने संजय कुमार को पीटा, रिक्शा तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया और उन्हें तोड़ दिया। अब जरा पुलिस अधिकारी को सुनिए, एसएसपी हरिद्वार को सुनिए, तो समझ में आ जाएगा कि ई रिक्शा वाले की कोई गलती नहीं थी। तो गलती हुई तो भी पिटोगे और गलती नहीं हुई तो भी पिटोगे। जरा एसएसपी हरिद्वार को सुनते हैं। आज दिन में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बा रेड़ी चौराहे के पास में वादी संजय कुमार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उसके जो ई रिक्शा में वो आ रहा था, इसी बीच एक भोले से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें ना तो कोई कांवड़ जो है खंडित हुई, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई थी, पर उसके बावजूद उस भोले द्वारा अन्य लोगों को एकत्रित करके उसके साथ मारपीट की गई। साथ में जो उसकी ई रिक्शा है उसके भी साथ तोड़फोड़ की गई थी। उक्त घटना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभी पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी भोलों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, इस पावन पर्व में पुलिस काफी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए, इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें और अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसमें जल्दी आपा ना खोएं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तत्काल पुलिस के संज्ञान में डालें। आपने एसएसपी हरिद्वार को सुना। ऐसी हर रोज वारदात हो रही है इन कांवड़ ले जा रहे बम भोलों द्वारा। सहारनपुर में मोटरसाइकिल तोड़ दी, गाजियाबाद में मोटरसाइकिल तोड़ दी, कहीं साइकिल तोड़ दी, कहीं ई रिक्शा तोड़ दिया, कहीं गाड़ी तोड़ दिया, गाड़ी चला रहे लोगों को तोड़ दिया। पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि इन कांवड़ियों को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दीजिए। अब फ्री हैंड तो इन कांवड़ियों को दे दिया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे कांवड़िए उपद्रवी होते हैं, ज़्यादातर कांवड़िए चुपचाप मेहनत करके नंगे पैर आस्था के साथ गंगा जल लेकर हरिद्वार से आ रहे हैं, अपने मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए कांवड़ यात्रा गुंडागर्दी करने, नशा करने और उपद्रव करने की एक फ्री हैंड वाली पिकनिक है। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हापुड़ पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो इन कांवड़ यात्रियों को गांजा बेच रहे थे। उनके पास से 45 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है। मैंने पहले स्टोरी की है, कांवड़ ले जा रहे गांजा चरस जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं और गांजा पी करके उसके बाद तो फिर सामने कौन आए, जो आए तो फिर तो तोड़ दो, फोड़ दो और फिर डिफेंस में बोल दो कि अरे बाबा भोले तो खुद धतूरे का नशा करते थे, धतूरा लेते थे, भगवान के नाम पर इतना न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है सड़कों पर इन लोगों ने कि क्या ही कहें। और इन कांवड़ यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार फूल हेलीकॉप्टर से बरसाती है, नाम की तख्तियां लगवाती है, संविधान को दरकिनार करती है। तो इन कहानियों के जरिए हमने आपको बताने दिखाने की कोशिश की कि जो हाईवेज हैं उनको अवॉइड कर दें, कुछ दिन देहरादून ना जाएं, हरिद्वार ना जाएं, मसूरी ना जाएं, बहुत ज़रूरी है तो ही आउटर रिंग रोड या हाईवेज लें हरिद्वार जाने वाले, वरना अपने घर पर रहें, अपने दफ्तर जाएं, दफ्तर से घर आएं, क्योंकि कब कहां किस कांवड़िए के चक्कर में फंस जाएं आप भी टूटें, आपकी गाड़ी भी टूटें, इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है, क्योंकि पुलिस इन कांवड़ यात्रियों को फ्री हैंड दे बैठी है और ये कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही। फिर आप कहते हैं कि नहीं, धर्म के नाम पर तो एक धर्म के लोगों को कुछ भी करने की अनुमति दे दी जाती है, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर कुछ कर दे तो फिर वो
जिहादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, इन जैसे तमाम उपकरणों से उन्हें अलंकृत किया जाता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।